जय माता दी फ्रेंड्स, हियर वी गो विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर ड्रामा एज यू लाइक इट दैट वी आर कंप्लीटेड अर्लियर। जो हम पहले से कर चुके हैं ड्रामा एज यू लाइक इट, उसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ जो हमने ड्रामा में पढ़ा है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा आपको कितना ड्रामा समझ में आया है, और साथ साथ में कुछ और जो एक आध जो हमारा छूट गया होगा कोई पॉइंट, वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। वॉट इज़ द सोर्स ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट, ये कहाँ से लिया गया है, मतलब इसका सोर्स क्या है इस प्ले का एज यू लाइक इट जो, तो ये जैसा कि मैंने बताया भी था समरी में, थॉमस लॉज नॉवल रोजालिन ने। ओके, वेयर हैज़ द टाइटल बीन टेकन फ्रॉम, और ये जो टाइटल है ये कहाँ से आया है, फ्रॉम ए लाइन फ्रॉम दिस नॉवल इफ़ यू लाइक इट सो, जो ये हमारा थॉमस लॉज का जो नॉवल है रोजालिन ने, इसी के में एक लाइन है इफ़ यू लाइक इट सो, इसी से हमें लगता है विलियम शेक्सपियर ने ये एज यू लाइक इट जो टाइटल है ये निकाला है, इफ़ यू लाइक इट सो, इस कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। सो इसी से इनको इंस्पिरेशन मिली होगी और इसी से रखा होगा इन्होंने ये टाइटल। इन विच कंट्री डज द एक्शन ऑफ द प्ले बिगेन, तो ये जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, फॉरेस्ट है वो भी फ्रांस की में ही है, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है मतलब ये फ्रांस का प्लॉट है, मतलब ये एक्शन जो है ये इसमें है, फ्रांस में है। हु इज सर रोलैंड डे बॉयज, तो ये कौन होते हैं, ए ड्यूक इन फ्रांस, एक और ड्यूक है जो किसके फ्रेंड हैं, ड्यूक सीनियर के। हाउ मच मनी वॉज ऑलिवर सपोज टू पे टू ऑर्लैंडो एज पर द बिल ऑफ हिज फादर, सो जब हमने देखा था जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था, तो ऑलिवर से जो ऑर्लैंडो है वो कहता है कि या तो मेरा जो परवरिश है वो अच्छे से करो मेरी देख रेख, या फिर मुझे जो फादर की बिल है उसमें से जो मेरा हिस्सा है वो दे दो। तो उसका हिस्सा कितना था, 1000 पाउंड्स। ओके, हु टर्न्स आउट द ड्यूक सीनियर फ्रॉम हिज ड्यूकडम, जो ड्यूक सीनियर था जो फर्डिनेंड था उसको किसने ड्यूकडम से बाहर निकाला था, उसके खुद के यंगर ब्रदर ने, जिसका नाम है ड्यूक जूनियर कहते हैं ड्रामा में हम, या फिर जिसका नाम फेडरिक है। ओके, नेक्स्ट है व्हाई वाज फेडरिक जेलस ऑफ रोजालिन, तो जो फेडरिक है जो रोजालिन के चाचा हैं वो उसे जेलस क्यों है, बिकॉज ही थॉट दैट रोजालिन्स क्वालिटी वुड क्लिप्स हिज ऑन डॉटर सीलियाज क्वालिटी, जो उसकी डॉटर है उसकी बेटी है फेडरिक की सीलिया, उसकी क्वालिटीज़ उसके अंदर छुप जाती हैं, कि वो उसको ग्रहण लगा रही है, कि मतलब उसकी क्वालिटी ज़्यादा है रोजालिन की तो वो उसकी क्वालिटी को छुपा लेती है, तो सब लोग रोजालिन को लाइक करते हैं इसलिए वो उससे नफरत करता है। वेयर इज़ द मेन एक्शन ऑफ द प्ले टेक, और जो मेन एक्शन होता है प्ले का वो कहाँ होता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन फ्रांस। सो फ्रेंड्स, वैसे तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के साथ जो एक्शन जो प्ले का जो मेन एक्शन होते हैं, जो एक्शंस होते हैं वो ड्यूक के पैलेस में भी होते हैं और कुछ ऑलिवर के हाउस में भी होते हैं, लेकिन जो मेन जो एक्शन है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है 80%। नेम द कैरेक्टर हु एक्सपीरियंस लव एट फर्स्ट साइट, किस किस को लव एट फर्स्ट साइट होता है ड्रामा में, तो जैसा कि हमने देखा था रोजालिन और ऑर्लैंडो को होता है, जब वो पहली बार रेसलिंग के टाइम पे ऑर्लैंडो वहाँ पे रोजालिन से को देखता है, और दूसरा जो कपल है वो ओलिवर और सीलिया है, जब ओलिवर वो जो हैंकरचीफ लेके जाता है रोजालिन और सीलिया को बताने के लिए कि ऑर्लैंडो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि वो घायल हो गया है मुझे बचाने के चक्कर में, तो उस टाइम पे इन दोनों में लव एट फर्स्ट साइट होता है। बिसाइड लव व्हाट इज़ द अदर थीम ऑफ द प्ले, कि लव को छोड़ के इसमें काफ़ी हमने देखा है, एक रोमांटिक ड्रामा है ये, सो इसके साथ में हमने क्या देखा है, और भी कुछ थीम है इस प्ले की, वो है यूसर्पेशन, ट्रेचरी, थीम ऑफ रिकॉन्सिलेशन एंड फॉरगिवनेस, कि हमने देखा है कि जो उसका छोटा भाई होता है वो उसको गद्दी से हटा देता है, चीटिंग करता है उसके साथ में, और थीम ऑफ रिकॉन्सिलेशन एंड फॉरगिवनेस की मतलब लास्ट में क्या होता है कि जो ड्यूक जूनियर है वो सीनियर को वापस से उसकी राजगद्दी दे देता है, और ओलिवर ऑर्लैंडो और ओलिवर में भी बन जाती है कि
कि ओलिवर जो है उसको, वो अपने भाई को प्यार करने लग जाता है, मतलब पसंद करने लग जाता है, क्योंकि वो उसको बचाता है। देयर टू कैरेक्टर विद सेम नेम इन द प्ले, वॉट इज़ दैट नेम? जैसा कि मैंने ड्रामा के बीच में भी बताया था कि यहाँ पे दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका एक ही नाम है, वो नाम है जैक्स। जो जैक्स है वो मतलब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में कई बार पोएम्स वगैरह भी बोलता है, काफ़ी पोएम्स हैं इनकी, जो कुछ लाइंस भी दी रहती हैं, तो ये कुछ पोइम्स बोलता रहता है। और एक जो जैक्स होता है यही सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ भी बताता है। और एक जैक्स जो होता है ओलिवर ऑरलैंडो का ब्रदर, जो लास्ट में, जो ड्रामा के लास्ट में जो न्यूज़ लेके आता है जूनियर ड्यूक की, कि वो एक हर्मिट से मिलकर उसका वो चेंज हो गया है और अब अपना जो सारा कुछ वापस से अपने भाई को वापस देना चाहता है उसका राज्य। हु सेज ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन गोल्ड, कि जो ब्यूटी होती है वो थीव्स को ज़्यादा प्रोवोक करती है, इससे ज़्यादा गोल्ड से भी ज़्यादा। तो ये बात कौन कहती है? रोजालिन कहती है। हु सेज मैन आर अप्रैल बैन द वो डिसम्बर बैन द बेड, कि ये बात कौन कहती है कि जो आदमी होते हैं वो अप्रैल होते हैं जब वो वू करते हैं, जब वो प्रेम व्यक्त करते हैं, तब तो वो अप्रैल की तरह होते हैं, काफ़ी अच्छा अप्रैल का जैसे मौसम होता है, और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो दिसंबर की तरह ठंडे हो जाते हैं। हु सेज लव इज मेयरली मैडनेस, ये बात कौन कहता है कि प्यार जो होता है वो एकदम मैडनेस है, पागलपन है? तो ये भी बात रोजालिन कहती है उसको चिढ़ाने के लिए, मजाकिया रूप में ऑरलैंडो को कहती है कि लव इज मेयरली मैडनेस, कि तुम जो प्यार करती हो रोजालिन से वो एक मैडनेस है। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। Please, 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 any suggestion, put it in comment box and subscribe my channel. And if you like it, press like button and please share with your friends so they take benefit of this. So thank you.